हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर योर लवली बर्थडे विशेस फॉर मी. कल जो मेरा बर्थडे था, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस कमेंट्स ऑन माई वरलक्ष्मी पूजा. थैंक यू वेरी मच. एंड सॉरी फ्रेंड, किसी बहुत दिन पहले मुझे एक फ्रेंड ने पूछा था कमेंट में कि मैम आप अपार्टमेंट में रहती हो, स्नोफी अपार्टमेंट में आपके साथ रहते हैं तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, अपार्टमेंट के लोग कुछ बोलते नहीं है क्या करके, आप प्लीज़ इसके बारे में बताइए ना. तो सॉरी फ्रेंड, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पूजा वगैरह के कारण मैं वो वीडियो नहीं बना पाई. तो मैं आज आपको बताती हूँ क्यों नहीं होगा. अपने पेट्स अपने साथ अपने घर में रहने के लिए किसकी क्या परमिशन चाहिए. हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है. भले वो रेंट का घर हो या ओनर ओन फ्लैट, ऐसा कुछ भी नहीं. हमारा तो ये ओन फ्लैट है, लेकिन हमारे ऊपर जो है वो लोग रेंट को रहते हैं. उनका जर्मन शेपर्ड है. जर्मन शेपर्ड तो आप लोगों को पता है कितना बड़ा बड़ा ब्रीड होता है वो. ओके, हमने कभी उस पर कंप्लेंट नहीं किया, इसलिए नहीं कि हमारे घर में स्नोफी है. और जर्मन शेपर्ड के ऊपर हम लोग ही ने कोई भी कंप्लेंट नहीं करते. क्यों नहीं करता है मैं आपको बताती हूँ. एक सिंपल एग्जांपल बताती हूँ मैं, बस वो आपको फॉलो करने. ओके, अभी देखो, अभी अपार्टमेंट 4 फ्लोर्स का हो, 10 फ्लोर्स का हो, या कोई कितना भी फ्लोर्स का अपार्टमेंट रहने दो, हम इंसान लोग जब अपने खुद के घर में रहते हैं तो हम अपने खुद के घर में आवाज़ करते हैं, रात के टाइम साउंड लगाते हैं, म्यूज़िक लगाते हैं, तो तब कंप्लेंट आती है हमारे पर, राइट. इसके अलावा कुछ कुछ अपार्टमेंट्स में लिफ्ट गंदा करते हैं, स्पिट करते हैं, स्टेयर किस में स्पिट करते हैं, यहाँ वहाँ कचरा फेंका हुआ रहते हैं, ऐसा रहते हैं कुछ सब लोग ऐसे रहते हैं. ऐसा मैं नहीं बोल रही, सब अपार्टमेंट ऐसा रहते हैं, मैं नहीं बोलती हूँ. इस तरह के अपार्टमेंट्स में कोई ऐसा हरकतें करते हैं, कचरा यहाँ वहाँ फेंकना, स्पिट करना, तो उन लोगों पर कंप्लेंट रखा जाती है, राइट फ्रेंड्स. तो सेम वे फ्रेंड्स, सेम वे, भले वो लोग कितना भी ओनर रहने दो, रेंट के रहने दो, लेकिन उन पर कंप्लेंट आती है ना अपार्टमेंट की तरफ से. तो सेम वे फ्रेंड्स, हमें भी क्या करना है, भले हम कितना भी अपने खुद के घर में रहते हो, कितना भी ओन फ्लैट रहने दो, रेंट के फ्लैट रहने दो, हमें छोटा सा एक प्रोसीजर फॉलो करना है, मतलब एक रूल फॉलो करना है कि अपना घर में पेट है तो, अपने घर में पेट है तो ध्यान रहे कि अपना पेट भी रात के वक्त आवाज़ ना करे. क्यों पता है, पहले आजू बाजू लोगों की इसमें ये रहती कि इनके पास पेट है, मौके की तलाश में बैठे रहते, राइट. हमें वो मौका उन्हें नहीं देना है, रात के वक्त पेट्स को आवाज़ करने नहीं देना है. ओके, एंड सेकेंड थिंग, अभी क्या होती है, एक्स्पेशली मेल ब्रीड को मैंने देखा है, फीमेल डॉग्स ने, मेल ब्रीड को मैंने देखा है, मेरा स्नोफी ने से कभी नहीं किया, लेकिन फिर भी बताती हूँ. मेल ब्रीड क्या होते हैं, कहीं भी स्मेल के और जट से चुचू कर लेते हैं. तो इस तरह का अवॉइड करें, इस तरह से अपार्टमेंट के बाहर जाने तक अपने पेट्स को कुछ भी चिची चुचू करने का आप उसको कंट्रोल में रखें, ऐसा ना करें वो बात है. तीसरी बात, अपना पेट्स की वजह से अगर अभी स्नोफी का इसे फरी पेट, ओके, तो इसका बाल वगैरह बहुत बहुत ध्यान से अपना घर को मेंटेन करना रहते हैं, ताकि इसका बाल अपने घर तक ही रहे, इमिडिएटली क्लीन कर दे. क्योंकि क्या होती है पता है, थोड़ा भी बाल वगैरह बाहर गया, आजू बाजू के घर में गए, नीचे गए, तो कंप्लेंट आती है, तुम्हारा कुत्ते का बाल आ रहा है ये वो करके. अभी तक तो मेरा स्नोफी का एक भी कंप्लेंट नहीं आया है, मेरा फ्रेंड के अपार्टमेंट में ऐसा हो चुका है करके, मुझे ये सभी बातें पता है. तो मेरा स्नोफी को लेकर कुछ भी कंप्लेंट नहीं आया. मैं अपना स्नोफी का एक बाल तक बालकनी में जाने नहीं देती हूँ, इतना ध्यान देती हूँ मैं स्नोफी के ऊपर. तो आप लोगों को भी वही थोड़ा ये रूल्स फॉलो करना है. अगर आप पेट लाना चाहते हैं, बेफिक्र होकर लाइए. इफ़ यू आर रियल पेट लवर, आप लाइए. किसी को बस बोलने का मौका मत दीजिए ना, उसे पेट को रात के वक्त साउंड करने मत दीजिए. पेट की वजह से इनकन्वीनियंस नहीं होना चाहिए, और ना ही कहीं अपने पेट की वजह से कहीं अनहाइजीनिक होना चाहिए. ओके, आप बस इतना ध्यान देंगे ना, किसी की कोई हक नहीं है. और उसके अलावा टॉप ऑफ डेट आपको क्या करना है पता है, आप अपने पेट का फाइल बना के रखिए. क्योंकि थोड़ा भी टच भी किया ना, हाँ उसने मेरा, तुम्हारे पेट ने मुझे काटा है, ये वो करके एक्स्ट्रास करेंगे. तो आपको क्या करना है, आप अपने पेट ला लोगे या आपके पास पेट है तो उसका परफेक्ट वैक्सीन फाइल बना के रखना है. इसका पहले ही मैंने वीडियो, पहले की वीडियो में भी कहा था, परफेक्ट वैक्सीन फाइल बना के रखना है. और GHMC से जाके लाइसेंस इशू करके, तो किसी की हिम्मत नहीं होगी अपने पेट के ऊपर उंगली उठाने के लिए. ओके, आप अच्छे से आप अपना पेट ला सकते हो, अपने साथ अपने घर में रह सकते हो. और वैसे भी एक बार पेट घर पर आने के बाद वो पेट थोड़ी ना होते, अपना बच्चा बन जाते, जैसे कि स्नोफी मेरा तीसरा छोटा बेटा है. तो सेम वे फ्रेंड्स, वी डोंट नीड टू वरी, भले रेंट के फ्लैट हो या ओनरशिप का ओन फ्लैट हो, आपको सब बस ये रूल फॉलो करना है. ओके फ्रेंड्स, अगर कुछ और कुछ क्वेश्चन है आप प्लीज़ मुझे इंस्टा में पूछ सकते हैं. ओके, बाय.